नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको अनपैकिंग दिखा रहा हूँ एक फुटवेयर की, जो कि आपको मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। आप देख सकते हैं अमेज़ॉन से इसकी पैकिंग बेहतर है। ये पेपर पैकिंग है जो कि रिसाइकलेबल है, और अमेज़ॉन की पैकिंग जो आती है वो प्लास्टिक पैकिंग आती है। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट कोड है, और इसमें सेफ्टी देखी गई है 1 2 3। आप ये देख सकते हैं 1 2 3 का ये लोगो है, इस पे स्ट्रिपिंग है, और ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है 1 2 3 की लॉगिंग है। इस पे आपको प्रिंट है, आप देख सकते हैं, और इस पे लिखा हुआ है कि यदि कहीं से भी ये प्रिंट टूटा हुआ मिल जाए, यानी कि फटा हुआ मिल जाए, तो ये आप पैकेट रिसीव ना करें। यहाँ पर ये लिखा हुआ है यदि ये स्ट्रिप मिसिंग है या किसी तरह से भी टियर या टोर है, तो ये आप इस पर देख सकते हैं। तो सेफ्टी रखी गई है ताकि ऑर्डर के साथ मिसहैंडलिंग ना हो सके। तो आइए हम इसको अनपैक करते हैं, तो देखते हैं कि इसके अंदर हमने जो ऑर्डर किया है वो है या नहीं। आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रिमूविंग द सेलो टेप्स। पहले ये टेप को मैं हटाता हूँ। स्ट्रॉन्ग पैकिंग की गई है, आप देख सकते हैं खोलने में काफी परेशानी हो रही है। देख सकते हैं कैंपस का लोगो है। सैंडल हमने ऑर्डर किया है फुटवेयर में, कैंपस की सैंडल है। इसकी प्राइस हमें 552 रुपीज़ आई है। आप देख सकते हैं इस पे गो क्रेजी लिखा हुआ है, सैंडल है, इसकी ब्रांड है कैंपस। अब हम इसको अनपैक कर रहे हैं। आप पैकिंग देख सकते हैं, बहुत ही स्ट्रांग थी, जिसको आपने देखा हमें ओपन करने में काफ़ी परेशानी हुई। आप देख सकते हैं इस पे इसकी प्राइसेस लिखे हैं 649, ऑफर में मुझे ये 552 पे पड़ा, और इस पे मुझे डिलीवरी चार्जेस भी फ्री थी। सो 8 साइज़ का हमने ऑर्डर किया है, यूके साइज जो कि इंडियन साइज से मैच करती है। सेंटीमीटर में 27.9 सेंटीमीटर इस पे लिखा हुआ है। नेवी ब्लू है और ग्रे है। आप आगे हम देखते हैं, मैन्युफैक्चर्ड है और पैक्ड है ये 9/2021 का, तो पुराना नहीं है, ये नया ही है, पैकिंग है। अंदर अब देखते हैं क्या है। हाई बॉक्स भी ये रिसाइकलेबल है, तो देखते हैं हमने जो ऑर्डर दिया है सेम टू सेम पीसेस हैं या नहीं है। आप देख सकते हैं आपके सामने ही हमने अनपैक किया है, कवर अप है, कवर है। इस मॉडल का नाम है गो क्रेजी। अब हम बॉक्स को हटाते हैं, आपको सैंडल को दिखाते हैं। सैंडल ये पेयर है, आप देख सकते हैं, और हम आपको सराउंड व्यू भी दिखाएंगे, चारों तरफ से इसको घुमा घुमा कर दिखा देते हैं। ये आप देख लीजिए, कैंपस का लोगो देखिए इस पे है, यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। कैंपस में ये है कि वो अपने लोगो और चीज़ों पर बड़ा ध्यान देता है, अच्छे से वो पैक करके भी दिया है। कैंपस की क्वालिटी अच्छी रहती है, हम मिडिल क्लास लोगों के लिए अच्छी सैंडल है।
आप देख सकते हैं गो क्रेजी सैंडल एंड स्लीपर कलेक्शन कैंपस, ये इसमें टैग किया हुआ है। अल्टीमेट कंफर्ट स्लिप रेजिस्टेंस लाइट एंड वेट कैंपस फीचर्स हैं इसके, आप देख सकते हैं। और ये देखिए ये वेलकोल है, वेलकोल की क्वालिटी भी अच्छी है। थोड़ा ये है कि ये वाइट है, वो ब्लू होता तो और अच्छा होता। ये भी वाइट ही है, वेलकोल ईजी है, थोड़ा पकड़ने में लगता है लूज़ होगा लेकिन यूज़ में आते आते शायद आ जाए। यहाँ बैक साइड से भी है फ्लिप, ये खुल सकता है, आप यहाँ से भी इसको टाइट कर सकते हैं फिटिंग में, आप देख सकते हैं। तो ये भी देखिए यहाँ से खुलता है बंद होता है, यहाँ से भी है। अब आइए हम इसका सोल देखते हैं, सोल कैसा है। सोल अच्छे ग्रिप पर है, यानी बरसात के दिनों में भी अच्छे काम करेंगे। इसके ये फ़ायदे हैं कि ये पानी में ख़राब नहीं होता है। इसके सोल को आप देख सकते हैं अच्छे से, ये देखिए ये ब्लैक और ग्रे का मिक्सअप है नीचे, और ये स्ट्रिप्स जो हैं ये ब्लू के हैं और ये ब्लैक है, ये जो पोर्शन है ये ब्लैक है और ये ग्रेइस है, ज़्यादातर ये वाइट में ही है, ग्रे आप कह सकते हैं, थोड़ा सा मिक्सअप है। और इसकी ग्रिप के लिए अच्छे से इस पर आप देखते हैं डिज़ाइनिंग की हुई है, तो ये इसका ग्रिप अच्छा होगा ये मैं श्योर करता हूँ। आप देख सकते हैं ये कैंपस है अंदर में, मतलब पैर और सैंडल के बीच में भी बहुत अच्छा है ग्रिपिंग होगा। और ये स्पॉन्जी है, मतलब सॉफ्ट है, जो कि पैर के लिए कंफर्टेबल होगा। ये बहुत ही स्ट्रांग है, फ्लेक्सिबल, आप देख सकते हैं यहाँ से है इधर नहीं है, लेकिन ज़रूरी भी है। यदि ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा तो हम यदि बाइक चलाएंगे या पैर चलेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा इस पोर्शन से, उस रिस्पेक्ट में ये ज़्यादा बेहतर है। आप देख सकते हैं कंफर्टेबल है, फ्लेक्सिबल भी है। और यहाँ पर देखिए अच्छा, मतलब लुक है, कलर है, आप देख सकते हैं। मैं एक बार फिर आपको दूसरे पोजीशंस में इसको दिखाता हूँ, हैं एलोंगेशंस देख सकते हैं, टॉप व्यू भी देख सकते हैं। तो मुझे तो ये पैसा वसूल लगा 552 रुपीज़, इसके लिए ज़्यादा नहीं है। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको पसंद आई हो तो मैं इस तरह के रिव्यूज़ कंटिन्यू करूँगा। आप कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।